देखे भाई शैरिड जीत देख ले, पीछे टायर देगा कभी शैरिड में? झोल का अंदरून बाजार है, टिपिकल बाजार। अस्सलामुअलैकुम, कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। और भाई कहानी की स्टोरी है, जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं, आज है Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. 641. Old boys are on the way, और मैं उनका वेट कर रहा हूँ। और आज सांगड़ का ट्रिप है, वो भी हमारे कलीग्स के साथ। और इंस्पिरेशन है वहाँ की फिश सज्जी और चुटियारी डैम। फादिल हसन, I'm back. He's back. अदनान, वालेकुम। यूसुफ भाई है, इनका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, वर्जन 2.0। तो आप लोग हेलो कह सकते हैं हमारे कैमरे को? हेलो 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 गोप्रो 7 हेलो भाई, सांगड़ का रास्ता तकरीबन कोई कराची से 250 किलोमीटर है, बल्कि नहीं 260 किलोमीटर। और फिर सांगड़ से चुटियारी डैम जो है वो 35 किलोमीटर है। बाकी ये कि वहाँ की क्या खसूसियात है, मेरे साथ अदनान बैठे हुए, ये रास्ते में रिसर्च कर देंगे और आपको बता देंगे। भाई पता भी तो होना चाहिए ना चुटियारी डैम क्यों मशहूर है। एक काम हम लोग करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रिप बनते हैं, वो ये है कि सदाबहार पे नाश्ता करना। वरना तुम लोग पूछोगे ना यार सदाबहार नहीं रुके, मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती है। सदाबहार जा रहे हैं, अभी आ जाएगा 10 मिनट में इंशाल्लाह। बहुत ही जल्दी से चाय पीनी होगी भाई। बता रहा हूँ, मैं एक ऑडियो घूम रही है जिसमें लोग सदाबहार को बदनाम कर रहे हैं, और मैं सबको बता रहा हूँ खाली बदनाम करने के लिए। करने भाई रिवायती तंदूरी पराठे आ गए हमारे भाई। चने चना एक जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया भाई। ये आ गए ना बड़े फॉन्ट्स वाले छोले आ गए ना। तो अभी तकरीबन 260 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तय हुए, तो जल्दी से नाश्ता करके वापस रोड पे आ जाएंगे, ताकि आप लोग बोले यार सड़क पे ले आया ये शख्स। इन्होंने कोई उधार नहीं रखा फिश के लिए अभी से। अभी तो रास्ते में झोल के पकौड़े भी खिलाने हैं आप लोगों को। हमारे सेठ साहब उतरे, उन्होंने कहा फुल कर दो। मेरे ख्याल से आने जाने में पूरा एक टैंक लग ही जाएगा, 500 किलोमीटर है। अच्छी बात ये है कि यहाँ कार्ड एक्सेप्ट होता है। 9100। रास्ता बता रहा हूँ, बचपन में हमारे अम्मी अब्बू जो है ना वो मशवरा ये देते थे कि देखो बेटा रास्ता बता रहे, वैसे तो तुम हमारे साथ ही हो। तो रास्ता बता रहा हूँ आप लोगों को, M9 से हम जाएंगे बाहर निकल के मटियारी के बाद खैबर गालिब आना है, उससे हम राइट लेंगे और फिर टंडो आदम, फिर झोल और फिर सांगड़। याद रहेगा, वैसे तो एक ही कार में जा रहे हैं, लेकिन अगर आगे पीछे हो गए तो कितना डेंजरस है यार। मोटरवे पार कर लेंगे, मटियारी पार कर लेंगे, जब खैबर गालिब से अंदर दाखिल होंगे ना गांव में, तब से वीडियो बनाएंगे। चलिए हमारा कट आ गया, निशानी है सामने PSO का पंखा। आपकी हाई प्लीजिंग जगह है ये, खासतौर पर ये रोड। आपने लेकिन अदनान भाई बताया नहीं अभी तक कि चुटियारी डैम की खसूसियात क्या है, करामात क्या है, वो नहीं बता रहे आप। टाइम बचाने के लिए टंडो आजम को बाईपास करेंगे, बाहर से निकल जाएंगे सांगड़ के लिए, बाबे शाहनवाज जुनेजो से सांगड़ राइट। चलो भाई जल्दी से निकल जाओ यार, कोई ट्रेन व्रेन नहीं है। यार भैंसों का एटीट्यूड है यार, कोई जगह ही नहीं दे रही हमें, सिंग सीधे नहीं कर सकती अपने एटीट्यूड दे। यूसुफ भाई आपकी इंस्पिरेशन मोटिवेशन क्या है, डैम है या फिश सज्जी? डैम ऑन प्रायोरिटी यार, वो मकसद भूल गए जिसलिए जिंदगी में आए हैं, मतलब दुनिया में खाना पीना। अदनान आपकी क्या है? दोनों है, सियासी बयान। फाद यार डैम पहुंच के फिर वहां से मछली पकड़ेंगे, वहां से मतलब पकड़ेंगे मतलब आदमी छोड़ी मारे ना तो बस फिर ऐसी मारे। अभी झोल आ रहा है आगे सांगड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले, ये बताया भी था मैंने। ये डैम की मछली है सारे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। झोल का अंदरून बाजार है,
टिपिकल बाजार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई कहानी की स्टोरी है, जैसे कि हम आपको बताते जा रहे हैं, आज है दिवाली का दिन। देख लो भाई, सॉरी आज दिवाली है, बिल्कुल दिवाली पे एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। मार्केट आप देख, मिठाई नहीं बनाई आपने दिवाली पे यार? ये जबरदस्त मिठाई, क्या बात है यार, कलरफुल। आपसे मिठाई देखे, मिठाई की वैरायटी देखे, इंतहाई डिफरेंट। ये किस चीज़ की बनी है? गाजर और बर्फी के साथ। गाजर और बर्फी मिक्स, वाह। गाजर की कलाकंद है भाई। नोमान भाई कह रहे थे मेरी वीडियो काट मत देना। बिल्कुल, बताओ यार, हैं करें आप रिक्वेस्ट? सलमान आधा किलो ले, छोटे पे भाई। हम तो यही कहेंगे कि कहानी की स्टोरी ये है कि हमारी वीडियो मत काटना है। आप जो लाए मोस्ट वेलकम, आते रहे, ठीक है? और यहाँ पे आए हम आपको यही खिला सकते हैं। और ये झोल का शाही बाजार है। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि इनके कद्दू पे आ नहीं रही है, फूंक मार के कौन पहनता टोपी? ये अदा ये देखो यार क्या बात है आपको मैंने पहले भी देखा, अभी भी देखा, मैंने आपको पहचान लिया, मैंने तभी भाई से पूछा। क्या बात है, क्या बात है यार। और सब कह दिया अल्लाह के शुक्र। काटो भाई काटो, हमें जाना अभी फिश भी खानी आगे जाकर, ठीक है ना? तो ज्यादती हो जाएगी, तो हम सिर्फ ये खाएंगे। ऐसा ना करो यार, सारा गेम ना इस चटनी का है, खट्टी चटनी है, खाओ भाई। यार ये रहू का नाम है ना, दूसरा क्या कहते हैं इसको? इसको सिटी में कुड़ा बोलते हैं और टमड़ा बोलते हैं। ये बका डैम की है, सांगट झील की है। क्या बात है यार, क्या बात है। काफी दफा आए लेकिन यहाँ बाजार का मुआयना नहीं किया। हाँ भाई, और कोई ख्वाहिश? झोल के पकौड़े भी खा लिए, मिठाइयाँ भी देख ली, टोपी भी ले ली। 10 किलोमीटर दूर है सांगट शहर, उसके बाद 35 किलोमीटर दूर है छुटियाली डैम। सीट बेल्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे सब्जी खाएंगे थोड़ी देर बाद आके, देखें कितनी सारी लगी हुई है सबकी सब्जी। सांगड़ आ गए और अब हम तकरीबन 35 किलोमीटर तय करने वाले हैं छुटियारी डैम के लिए। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी पहुँचे क्योंकि 1:15 तो हो गए। अब आ गए ना बाकार लिंक रोड, यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं बाकार लेक रिजॉर्ट छुटियारियों डैम। थोड़ा सा स्लो सफ़र तय होगा लेकिन ये जाके बाकार लेक यानी छुटियारी डैम पर रुकेगा। ये बाकायदा खेतों झाड़ियों इन सब से जो है ना गुजरता हुआ जाएगा और ये नैरो रोड है। अचानक आपको दिखेगा डैम उर्फ बाकार लेक। 1:30 बज गया भाई, रुकते रुकाते हम जा रहे हैं। लो भाई शादी चल रही है, चलो सही टाइम पे पहुँचे भाई, देखें खुल गई है। दूल्हा भाई भी हमारे साथ है। ये रहा भाई एसटीडीसी का रिजॉर्ट और ये रहा ऊपर नीला आसमान। आखिरकार पहुँच गए, 1:30 बज गए। अभी बोटिंग का ये है कि मैंने पिछली भी एक दो वीडियो में दिखाया कि ये एक तो पूरे डैम के गिर चक्कर लगाते हैं, फिर बीच में वो हवेली है जुनेजोस की, वहाँ जाते हैं। अच्छा, हैरत की बात है कि संडे है और अभी तक लोग नहीं है, या तो थोड़ी देर बाद आएंगे, शायद गर्मी होती है इस टाइम अभी नहीं है। अच्छा, मेन रोड से यहाँ अंदर डैम में आने के लिए बाकार लेक के लिए थोड़ी सी बीच में रोड ख़राब है, ये ध्यान में रखिएगा आप। एसटीडीसी के रिजॉर्ट है, यहाँ पे लोग ठहरते भी हैं। भाई अयूब भाई हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं, पहले भी वीडियो में बुलाया था मैंने इनको। अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लेटेस्ट रेट्स वगैरह बता दें यहाँ रिजॉर्ट के। अयूब भाई बताएं। हाँ, यहाँ के रिजॉर्ट के रेट तो हैं 10,120 जो वीकेंड पे होते हैं, जो फ्राइडे से संडे तक, बाकी 8,000 हैं, मतलब जो वीक जो दिन है ऑफिस दिन है उसमें, वर्किंग डेज में 8,000 रुपये पर। सही है। और रूम में फैसिलिटी क्या होती है? अकोमोडेशन है, सिर्फ बेड और डबल बेड हैं, दो रूम डबल बेड हैं और दो सिंगल बेड हैं, दो सिंगल बेड रखे हुए हैं।
आपको विजिट करवाते हैं अभी, आपने शायद देखा हुआ है। झीलों का जंगल था लेकिन अब डैम बन गया तो अब इसके अंदर आ गई हैं ये सारी। कोई कह रहा है 70 है, कोई कह रहा है 120 है, इंटरनेट पे भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा ये पानी जो है फिशिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है डैम का, दूसरी बात ये है कि इरीगेशन के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो छोर कैंट तक भी जाता है यहाँ से पानी, उमरकोट भी यहीं से पानी जा रहा है। चलो भाई लेट्स गो लेट्स गो, कैप उल्टी कर लो वरना दूसरे देश उड़ के चली जाएगी। एक्साइटेड की बात कर रहे हम हमसे पहले बैठे बॉयज, लेट्स मूव रिवर्स गियर में। तुम लोग की लाइफ उल्टी चलाएंगे हम पहले। एक थोड़ा सा कंसर्न की बात ये है कि मैं लास्ट टाइम जब आया था, बल्कि सबसे पहले जब आया था, तो यहाँ पे लाइफ जैकेट्स भी थी। ये कह रहे हैं वो ख़राब हो गई हैं, धूप में रख के फट गई हैं, हार्ड हो गई हैं। दोबारा से मंगाई भी हैं हैदराबाद से, वो अभी तक नहीं आई। तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो लाइफ जैकेट्स तो कराएं आप। पानी आया, देख के गिरना यार, ठीक है। खैर मोहम्मद जुनेजा साहब की हवेली पे इकबाल, यहाँ की मैं जब वीडियो डालता हूँ ना तो लोग बोलते हैं यार इस हवेली में साया है, आते क्यों तुम? गलत बोलते हैं सही बोलते हैं या नहीं है? है, है? तो फिर हम क्यों जा रहे हैं इकबाल? मजाक कर रहे थे ना? जी मजाक। अबे क्यों भाई, पहले भी आ चुका मैं 2-3 बार। अरे ये तो और गिर गई, ये पिछली दफ़ा से अब ज़्यादा गिर चुकी है भाई। हाँ ये मज़ीद बरसात में गिरी होगी। और ये सब जो है ना, ये बकरे और बकरियों का कमाल है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ज़्यादा शोर भी ना किया जाए, अंदर गिर जाए। तो पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे संदूक वगैरह भी थे, पता नहीं ये वाली हवेली में थे या दूसरी वाली में थे, अब यहाँ से रिमूव कर दिए गए। पीर बख्श जुनेजो वाली पे चलते हैं। मुझे तो कोई फियर फील नहीं हुआ, तीसरी बार आया हूँ मैं यहाँ। समझ लग रही है तुम्हारे? अच्छा फोटोग्राफी के हिसाब से मुझे वो अच्छी लगती है सामने। ये होंगी यार खूबसूरत हवेली। ये यार कमाल, इसमें मजा है यार यूसुफ भाई। पहले मैं आया था ये इतनी झाड़ियां नहीं थी। बहरहाल हर अगली दफ़ा जितना आएंगे उतनी ये वर्षालत में जाती जाएगी। यार आई हैव नो आइडिया कि ऐसी बिल्डिंग्स का करना क्या होता है, महकमा आसार कदीमे को दे देना होता है। क्या ये इतनी पुरानी है कि नहीं बिल्डिंग? हमारे दोस्तों को भी इतनी जल्दी है, छोड़ के चल देते हैं। अभी वापस रिजॉर्ट जाके अपनी कार उठा के सांगढ़ शहर की तरफ जाएंगे। हाँ भाई इकबाल, थैंक यू, शुक्रिया। आ रही हो ना अभी? इसमें जो है ना, ये देखिए एक बोट वाले के पास हैं लाइफ जैकेट, ये रही पुरानी हो गई लेकिन स्टिल हैं। तो चलो भाई ओल्ड बॉयज, जो भी करना है वो कर लो। तो
वो सब टाइम बचाएंगे, सीधा सांगड़ जाएंगे और वहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये आ गया भाई अब्दुल जब्बार मल्ला, इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है भाई। भाई हम करके तो नहीं गए थे ऑर्डर, लेकिन तैयार में से ले लेंगे। पहले हम आए थे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, अभी बैठने की जगह है, यहीं पे बैठेंगे, जल्दी से खाएंगे और निकलेंगे। ये सामने किताब बना रहे भाई, इसको खोल के। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जनाब आली? तब अभी इसमें से हमने 1.25 किलो की ले लिया, मैक्सिमम वही है, हमने इनको कहा था 2 की दे दो, 2 नहीं है कोई जी। ये खाते चटनी ले आइएगा। ऊपर से मसाला डाला है इन्होंने, पैसे जाए तो नहीं हुए यहाँ के से भाई। बस इसमें याद रखें, जाते हुए खुद अगर कोई ताज़ी मछली देते हुए चले जाए ना तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच ही है। खाना खा के जल्दी से यहाँ से निकलेंगे कराची बन। बाकी इस वीडियो को अगर 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द खुशखबरी मिलेगी। रायता आ गया।